ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਘੁੰਮੇਂਗੇ, ਡੈਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡੈਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। अरे बाबा यहाँ तो रास्ता बाबा ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डैम पे। ये इतना बड़ा डैम नहीं है, बस ये है कि जैसे दो गांव हैं, जैसे एक गांव इधर है एक गांव इधर है, बीच का जितना ही पानी है बरसात का पानी पहाड़ों का वो इसमें आके सेव हो जाता है, और ये पानी फिर उसके बाद छोड़ते हैं और आगे खड्ड की तरफ हो जाएगा। तो ऊपर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि रास्ता भी नहीं है ऊपर जाने का, और बस इतना ही। और ये पाइप के वोल्ट वगैरह लगाए हुए हैं, तो अगर जैसे पानी छोड़ना हो तो वोल्ट खोल देते हैं और उसके बाद निकल जाता है पानी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं वापस दूसरी जगह। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कितनी सारी मछलियाँ हैं आप देख सकते हैं, और ये पानी इतना साफ है इसको हम पीस भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो देख जूम कर जूम। इसके तभी मतलब वो हो रहा है, देख पेट आ गया जाओ दबा पड़ रहा है ना गोड़ी है, तभी तो स्पीकर इधर मेंटेन कर रखा है ना। हाँ सर, थोड़ा नहीं आ गया। हम आ चुके हैं अब स्कूल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था इतने ध्यान से। तो ये था गेट, यहाँ मेरे पापा जी, ताऊ जी और मेरे दादाजी वो ही पढ़ के चले गए हैं। ये देखो अब ये सब बंद हो गया है, खंडर ही है सब कुछ। अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुआ है, मतलब इसको भी लगभग 4-5 साल हो गए हैं, और काफ़ी बिल्डिंगें गिर भी गई हैं। ये देखिए काफ़ी बिल्डिंग गिर भी गई है, मेंटेनेंस होती नहीं थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे सामान लाने ले जाने की काफ़ी दिक्कत थी, इस वजह से स्कूल को बंद ही कर दिया। कहते हैं पापा कि यहाँ पे एक टाइम पे बहुत बच्चे आते थे, मतलब 1000-1200 बच्चे एक टाइम पे आते थे, और अब लगता है कि यहाँ कुछ होता भी होगा, रास्ते वगैरह सब टूट चुके हैं। दुख भी होता है थोड़ा सा कि भाई इतनी अच्छी जगह को छोड़ के लोग ऊपर 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 की तरफ भाग रहे हैं, पर क्या फ़ायदा, पॉल्यूशन में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखिए ऊपर की क्लासें, माता पिता व गुरुजनों का आदर करो। आम के पेड़, किसी टाइम पे यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा स्कूल। और अभी स्कूलों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। यहाँ किसी ने कुछ लिखा हुआ है, भगवान को तेरा पता है, वो तेरे से स्कूल का हिसाब लेगा, वो नहीं छोड़ेगा तेरे को। पता नहीं क्या मतलब इसका। सेवेंथ का गेट दूसरा, एट्थ का दूसरा गेट,
सिक्स्थ क्लास, वर्क इज वर्शिप। ये जैसे सरकारी स्कूल वालों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना वगैरह सब यहीं बनता था। देखो अभी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है काफी। ये इनके डिश, सोमवार दाल चावल, मंगलवार दाल चावल, बुधवार खिचड़ी, वीरवार मीठे चावल, शुक्रवार दाल चावल, शनिवार सोयाबीन चावल। देख सकते हैं आप बाकी कितना प्यारा स्कूल था ये एक टाइम पे। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, सॉरी। और यहाँ पे स्कूलों के टीचर वगैरह यहाँ बैठते होंगे। तो 2014 में बंद हुआ ये। मैं अंदर जा नहीं पा रहा, गेट खराब है, इस वजह से आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। किताबें वगैरह सब पड़ी हुई हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा प्राचीन मंदिर, ये बनाया काफी टाइम पहले गया है, पर अब इसको सजा दिया गया है, टाइलें वगैरह लगा दी गई हैं, गेट वगैरह कर दिया गया है अब इसका। और ये है पीछे वाटर सप्लाई का, यहाँ से वाटर सप्लाई वा देवी से लेके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं वाटर सप्लाई हाउस। तो ये देखो आप पाइपें देख सकते हैं, पाइपें जा रही हैं और ये पूरा सेटअप होता है। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं, जब ये चलती हैं तो ये पूरा कांपता है। ये लगी हुई हैं बड़ी बड़ी तीन मोटरें, ये ही सप्लाई करती है डिस्ट्रिक्टों में पानी, हमीरपुर मंडी और पालमपुर, इन तीन डिस्ट्रिक्टों में पानी कहीं कहीं जगह सप्लाई होता है यहाँ से। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा बनाया हुआ है, और ये बहुत सालों पहले ही बनाया गया है। बहुत साल मतलब 15-20 साल हो गए इसे, जब ज़्यादा ही हो गया, इससे भी ज़्यादा हो गया। ये देखिए टैंक, इन टैंक के अंदर पानी स्टोर किया जाता है। और ये है मेन टैंक, यहाँ से पानी इसके पाइपों के थ्रू जाएगा फिर बाहर, और यहाँ मना किया हुआ है, इस वजह से नहीं जाएंगे हम। ये रही वो मोटर है जो हमने ऊपर से देखी थी। ये काम लगा हुआ है अंदर। और फ्रेंड्स सच बताऊं तो यार मैं बिजली से बहुत डरता हूँ, इस वजह से मैं नहीं जाता ऐसी जगह पे। दूरी सही है। और यहाँ पे ये देखो आप पानी देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है।
ये ढका हुआ है ताकि अंदर कुछ भी गंद वगैरह ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, टैंक, ऐसे ऐसे टैंक हमारे गांव में बने हुए हैं, पर वो छोटे टैंक हैं, ये काफ़ी बड़ा टैंक है। ये रहा टैंक, वो ये काम चला हुआ है क्रेन वगैरह से। और फ्रेंड्स ये हमारा पावर हाउस, यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। गेट इसका दूर था, इस वजह से हम यहाँ से आए। और ये है ट्रांसफार्मर रूम, देख सकते हैं आप, डेंजर। ये एक 11,000 वोल्टेज की है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11,000 है, एक दिखाई नहीं दे रहा, ये साफ से दिखाई नहीं दे रहा। आगे की तरफ चलते हैं, लगाई गई है और अभी चल रही है क्योंकि ऊपर से पानी का फ्लो छोड़ा हुआ है, इस वजह से चल रही जा रही है। और जैसा कि आपको पता ही है, बिजली सिर्फ पानी से बनती है। अब मैं ज़्यादा अंदर तो जाऊंगा नहीं, अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना। अंदर 9 मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एकड़ी। तो जी जिसने खानी है आ जाओ। तो अभी हम डालने वाले हैं, तेल तो हमने डाल दिया, अब हम मसाले डालेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आग भी हमने जला ली, यहीं पे देसी तरीके जलाई थी। तेल हो चुका है गरम, अब बारी है प्याज की। प्याज जाएगा हमारा अब थोड़ी देर, इसको फ्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्याज हो चुका है, अब इसमें डालने की बारी है टमाटर। और मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं टमाटर ज़्यादा डालूँगा। हाथ लग जल गया। इसको घुमाने की बारी आई। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे अभी, क्योंकि नमक से क्या होता है, नमक से ये जल्दी गल जाएगा। ये हमारी हल्दी, ये है नमक। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम, बाकी बाद में। इसमें हल्दी ये है हल्दी हमारे स्वाद अनुसार। मेरे को सारे मसाले हाथ से डालने में ज्यादा अच्छा लगते हैं। ये देखिए ऐसे, और अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, क्योंकि अभी मिक्स कर देंगे फिर हम इसको। लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार डालेंगे हम ऐसे। बस अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोने आवे तेनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोने आ शॉपिंग ते। तो फ्रेंड्स अब हम डालने वाले हैं एग्स, तो हम डालेंगे इनको और हल्का हल्का मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको रहने देते हैं अब हम पकने के लिए। तो फ्रेंड्स बन चुकी है हमारी एकड़ी। थोड़ा गैस की प्रॉब्लम थी, मतलब जैसे गैस होती है ना, तो गैस से क्या होता है अपना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। तो लगती तो नहीं इतनी ज़बरदस्त बनी होगी, पर फिर भी स्पून वगैरह घर से लेके आए थे। और स्वाद है, सच में स्वाद है। सीरियसली यार, ये मजाक सोचा यार, खुद बना रहा है और खुद ही स्वाद बोले जा रहा है। आ जाना बना के खिला दूंगा फिर मैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं फिर हम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।